नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। इस समय हम हैं बनारस में। देश में आजकल कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिनसे देश आज जूझ रहा है। चाहे वह 370 हटाया गया हो, 35 हटाया गया हो, चाहे वो NRC का मामला हो या जो नए मोटर व्हीकल रूल आए हैं वो। हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि POK पे लगातार बड़े बड़े मंत्रियों के देश के बयान आ रहे हैं। जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं उनका भी हाल में बयान आया है कि हमने जो ये कश्मीर था उसमें 370 हटाई है और हमारा अगला लक्ष्य है POK को लेना। उसके बाद ही जो हमारे सेना के अध्यक्ष हैं बिपिन रावत, उनका बयान आया है कि हम तैयार हैं। और एक बार ऐसा भी हुआ कि चीन वाले पाकिस्तान में आए थे, कुछ मीटिंग चल रही थी, उसके बाद उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके एक स्टेटमेंट जारी किया था, तो भारत सरकार ने उसका विरोध करते हुए कहा था कि पाकिस्तान और चीन जल्द से जल्द चीन पाकिस्तान कॉरिडोर पे जो काम है उसको बंद करें। तो हम यहाँ जनता की राय जानेंगे कि क्या उनको लगता है कि POK आने वाला है या एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रही है सरकार पाकिस्तान के साथ। क्या नाम होगा सर आपका? वीपी सिंघल। ये बताइए, जो POK पे लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सरकार बयानबाजी हो रही है, तो क्या लग रहा है POK पे कुछ बड़ा होने वाला है? POK पहली बात तो यह है कि नेहरू की गलतियों के कारण ये POK बना ना, वो UNO में जाते, क्योंकि नेहरू और जिन्ना समझे सौतेले भाई थे, इसलिए नेहरू ने जिन्ना को फेवर करते हुए ये समझे कश्मीर किया, समझे, और ये 70 साल से हमारा है हमारा रहेगा, समझे। और इसका कारण क्या है कि POK में जो आपका काम किया है, हम पूरे देश की भावना है हमारे साथ है कि साथ POK हमारा है। हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता कहती है कि POK हमारा है, समझे। क्या लग रहा है, लेके रहेंगे? और हमारे जो वो है आपके VK सिंह जो पूर्व जनरल थे उसके मिलिट्री के, उन्होंने भी कहा है कि हम इसको लेके रहेंगे। और जो हमारे जनरल है बिपिन रावत जी, उन्होंने कहा है कि हमको सरकार परमिशन दे, हम तैयार। ये कम बात नहीं, जनता की भावना पूरी तरीके से जुड़े हुई है। बच्चा चाहता है कि कश्मीर हमारा है और हम लेकर रहेंगे, हमको लेना है, ये हर हालत में लेना है। क्या लग रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है, होगा, ऐसा ही होगा। और पाकिस्तान को भी ये आभास हो गया है कि POK से हमसे जाने वाला है। जो पाकिस्तान के वो विदेश मंत्री है वो मान चुके हैं कि POK हिंदुस्तान का है। उन्होंने UNO में एक बात कही है अभी एक हफ्ते पहले कि ये पाक कश्मीर, ये पाकिस्तान को पार्ट कश्मीर है, ये हिंदुस्तान का है, ही हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड इट। जो पाकिस्तान के बड़े नेता हैं, उनके जो प्रधानमंत्री, वो लगातार POK के आजकल दौरा कर रहे हैं, पहले नहीं कर रहे थे। क्या लग रहा है, डरे हुए क्या सब? बिल्कुल डरे हुए हैं, खिसियाने बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। और POK तो भारत का है, भारत का रहेगा जी। और बहुत जल्द जो है मोदी जी जो है इसको वो करेंगे, बाद में मिलाएंगे। इमरान खान की बात जहाँ तक है, फैसला वो अपने देश में घिरा हुआ है और जो वहाँ का जनरल है बाजवा, वो उसको अपनी मुट्ठी में लिए है, उसे कुछ करने नहीं देगा। तो जो बोलता है बाजवा वही बोल देता है, तो वो खुद ही बेचारा परेशान है अपने आप में, वो क्या करे देश के सामने नहीं बोलेगा कि हमारा है। क्या लगता है सर आपको, POK पे क्या हो रहा है? POK पर जो भी चर्चा हो रही है वो सही हो रही है। POK को जल्दी से जल्दी भारत में मिला लेना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। POK जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो निश्चित है कि एक हमारी जो तत्कालीन और हमारे संस्थापक प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा एक बहुत बड़ी गलती हुई थी जिसका खामियाबा आज तक हम लोग भोग रहे हैं। और POK की जनता हम भारत से विलय चाहती है और आज भी देखे लगातार वो स्वतंत्रता की मांग कर रही है। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि POK इस समय पाकिस्तान का अंग अब रह नहीं गया। अब कितना हो वो इमरान खान दबाना चाहे वो दब नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, आप देखे POK ही नहीं है, साथ साथ पंजाब का भी कल के ही समाचार में देखे होंगे कि वो करीब करीब पंजाब 5 टुकड़ों में बंटने वाला है और 5 टुकड़े में सिंध भी अलग होने जा रहा है, POK भी अलग जा रहा है, थापा जी भी अलग होने जा रहा है और तमाम इस तरह से 5 के 5ों जो है पाकिस्तान के 5 टुकड़े होने के कगार पर पाकिस्तान पहुंच चुका है। और भारत ये दृढ़ निश्चय कर चुका है, आपने देखा होगा हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने एकदम, जिसमें कश्मीर पे 370 और 35 एक ही बात कर रहे थे, जिस दिन उन्होंने इस टेम्पररी कानून को हटाया उसी दिन उन्होंने घोषणा किया कि कश्मीर का तात्पर्य भी है कि POK हमारा है, POK अच्छाई चीन, हम उसे लेकर रह गए। और आप देखिए कि इस समय जो चाइना POK में अपनी गतिविधि बढ़ाया है, भारत सरकार उससे चिंतित ही नहीं है, अब उसे कैसे रोका जाए, POK कैसे लिया जाए, भारत
सरकार पूरी तैयारी में है और हमारे रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने भी इस बात को बड़ी दृढ़ता से कहा कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और मैं स्वयं और सेना के सभी लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि हम पीओके पर किसी भी क्षण वहां की जनता के आह्वान पर और जनता के आह्वान का हम इंतजार कर रहे हैं। पीओके की जनता इसमें हमारे साथ है, वह उनके जैसे ही वो आह्वान करेंगे हम बिल्कुल तैयार हैं और पीओके उसी दिन ले लेंगे। और हमारा तो लक्ष्य ही है 2022 तक, 2022 तक पीओके हमारे पास होगा। तो पीओके लेने के लिए युद्ध करना पड़ेगा? नहीं, बहुत सुंदर आपने बात कहा, पीओके के लिए युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा पीओके की जनता जो है वहां पर जिस तरह से आंदोलन है, अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लड़ रही है। पीओके कभी भी भारत पाकिस्तान का अंग नहीं रहा, वो भारत का अंग था, इसलिए वहां की जनता हमेशा स्वतंत्रता की मांग कर रही है। आप देखेंगे कि किस तरह से जिस समय स्वतंत्रता की मांग करी, वहां की जनता जो है पाकिस्तान से अलग होना चाहिए। और इतना ही नहीं, क्यों अलग होना चाहती, उसका कारण है पाकिस्तान उसको उसके साथ सौतेला व्यवहार करता है, एकदम से नरसंहार कर रहा है। पाकिस्तान आज कहता है कि कश्मीर में मानवता का एक तरह से ह्रास हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, लेकिन आप देखें तो पाकिस्तान ही पूरे समूचे कराची में, आपने सुना होगा कल का भी उदाहरण है कि कराची में भी नरसंहार हो रहा था, कराची में भी आंदोलन हुआ, और ये जो हमारा पीओके है ना उसमें तो बिल्कुल नरसंहार करता जा रहा है। यहाँ तक कि पीओके ही एक ऐसा क्षेत्र है जो पाकिस्तान के लिए समुद्र का कारण है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। अब मैं क्या कहना सर इस पे? सर ऐसा है, पीओके जो है गलत नीत की वजह से जो है अलग हुआ, ठीक है। अब क्या होगा? अब जो है जैसे 370 में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, मार काट नहीं हुआ, सही नींद जिनके हाथ में आ गया, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सत्ता आई है, इससे पहले सत्ता गलत आदमी के हाथ में थी जिनकी वजह से हमारे देश से अलग हुआ। लेकिन पीओके का जो मेन गेट है कश्मीर है, 370 हटा दिया, एक गेट का पहला दरवाजा था, तो 370 हटा करके 35A हटा करके इन्होंने तोड़ा है, उसको ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है कि अब ये तो हमारे ऊपर भी चढ़ाई कर देगा, तो ये पीओके में घुसेंगे, पीओके भी अपना होगा, अपना था, अपना है, अपना रहेगा। ये हमारे यहाँ के जो अंदरूनी कुछ लोग हैं जो कि इस तरह की बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो भी पक्ष में रहेगा उसको पक्ष वाले के विरोध में बोलना ही बोलना है, लेकिन उसके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग बोलते रहे, लेकिन फिर भी 370 हटाया, ये तीन तलाक हटाया, ये सब कर रहे हैं, उसी तरह से पीओके भी अपना होगा, लेके रहेंगे। जय श्री राम, भारत माता की। इमरान खान तो कहते हैं कि जो भारत है वो पठानकोट जो बालाकोट हुआ था उससे भी बड़ा इस बार प्लानिंग कर रहा है और पीओके पे हमला करने वाला है, तो क्या लग रहा है कि ऐसा होगा कुछ? देखिए सवाल है कि तमाम बातें आप लोगों ने अपना अपना विचार रखा जी, इमरान खान के अलग विचार है, भारतवर्ष का अलग विचार है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कहते हैं वो करते हैं, अब पीओके हमारा है और पीओके आज नहीं कल भारत के मिल जाना है। इमरान खान बौखलाए हुए हैं, मान लीजिए कोई 370 35 हटाने के बाद तमाम लोग श्रीनगर के जितने लोग हैं चाहे पीओके के सारे लोग प्रसन्न हैं, और आए नहीं कल लड़ाई की जहाँ तक बात है, भारत शांति का पुजारी है, लड़ाई चाहता नहीं है, फिर भी हमारे सेना अध्यक्ष चाहे चीफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर से लेकर के आपके डिफेंस मिनिस्टर सब चाहते हैं कि अगर न मानेगा फिर लड़ाई किया जाएगा, तो यह है कि पीओके हमारा है और रहेगा। पहले लोगों ने जो गलती किया तो प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने उसको सुधारते हुए चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे अन्य देश हो, सबको उन्होंने शांति के साथ अपना विचार रखते हुए सबको अपने अपने विचार को बताया, सारे लोग सहमत हैं कि पीओके भारतवर्ष का है, भारतवर्ष का रहेगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत सरकार जो है वो चाह रही है कि पाकिस्तान की तरफ से एक भड़काया जाए या एक पत्थर आए, फिर हम हमला करें और पाकिस्तान भी मतलब पीओके भी ले आए, और इसके लिए युद्ध भी करना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि युद्ध संभव है? भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि इसके पूर्व मुझे याद है कि 370 के बारे में आप इसी स्थान पर हम लोगों से राय लिए थे जी।
जिसमें हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि 370 और 35 ये इसी सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा और उसी दिन जो है मोदी जी के द्वारा जो है शाह जी के द्वारा उसको समाप्त किया गया। पुनः आपका प्रश्न ये उठा है कि क्या पाक आकुमाइट कश्मीर के बारे में, मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि पाक आकुमाइट कश्मीर जो जवाहरलाल नेहरू के गलत नीतियों के कारण उनके कब्जे में चला गया वो भारत का अंग और भारत मेरा आएगा। वहां पर सिर्फ आतंकवादी गतिविधियां जो है पाकिस्तान द्वारा आयोजित करके वहां की जनता चाहे वो मोहम्मदम हो हिंदू हो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। वहां के जो भी माइनॉरिटी है चाहे क्रिश्चियन हो सिख हो आप देख रहे हैं कि रोज जो है धर्मांतरण कराए जा रहे हैं ऐसे गलत नीतियों से वहां के सारी जनता एवं उनकी माइनॉरिटी भी वहां जो मुस्लिम है वो भी परेशान है और हम लोग भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके रहेंगे। पूरी जनता जो 130 करोड़ मोदी जी के साथ है। भारत माता की जय। आप बताइए सर, इस जवाहरलाल के गलत नीतियों से उसकी भूल से ये समस्या हटी? ये तो सन 71 में ही खत्म हो जाती, इंदिरा गांधी खाली एक बार जाती तो आपको 35-35 उसी समय खत्म हो जाता है। इतना झूठ से दूर से लेकर चले हैं। अब मेरे मोदी जी ने जो काम किया है बहुत सही किया है और फिर हमको तुरंत मिलनी है, इसकी कोई संख्या नहीं है। पाकिस्तान में जनता त्राह त्राह कर रही है, पीछे की जनता त्राह त्राह कर रही है, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। वहाँ पर देखिए अभी भी रोज बलात्कार हो रहे हैं, जबरदस्तियाँ शादी करवा दे रहे दूसरे से संप्रदाय से और निकाल रहे हैं और यह सब उसका शासन सम कदम हो गया। वो घबरा के अपना अलग उबलग बातें बोलता है जी। हाँ यही आप बताइए मैडम कि जो पीओके का मसला है क्या लग रहा है, सरकार उस पर कुछ बड़ा कदम उठाने वाली है? सर मैं पहले बता दूं कि मेरा नाम अर्चना गोस्वामी है, मैं काशी विद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इतिहास विभाग में। जी जी। सर ऐसा है कि पीओके मेरा था ही कब नहीं जो हमारे लेने की बात हो रही है, ठीक है? और सर वो तो हमारा है, अब ये था कि गलत नीतियों कारण वो चला गया था। और सबसे बड़ी बात है सर कि वहाँ पर वहाँ के लोग ये चाह रहे हैं कि हम भारत में मिल जाएं, क्योंकि आपने 370 का मामला देखा होगा, इतनी शांति ढंग से वहाँ की जनता ने अपने आप को महसूस किया है कि नहीं हम भी कुछ है, हमारा भी कुछ अस्तित्व है। और जहाँ मन में ये हमारे डर था 370 सालों से मन में डर था कि कहीं कश्मीर के मुद्दा में ये जो 370 का मामला बहुत बड़ा मुद्दा था, कैसे हल होगा कैसे हल होगा, लेकिन कितनी शांतिपूर्ण ढंग से मोदी जी ने इस पे काम किया है, ना कहीं हो हुआ ना कहीं हल्ला हुआ ना कहीं बम चला ना कहीं गोली चला ना कोई आतंकवादी गतिविधि हुई। तो ये हमें मान लेना चाहिए कि हर तरफ से जनता का समर्थन मिल रहा है हमारी सरकार को। और जो पीओके का मामला गरमाया हुआ है, इमरान खान चाहे जितनी भी बातें कर लें, इमरान खान नहीं बोल रहे हैं, वो उनका डर बोल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल पीओके मेरे हाथ से चला जाए। और आप देखिएगा 10 दिन 15 दिन महीने भर के अंदर हम पीओके पर भी अपना राज करेंगे और वहाँ की जनता हमारा समर्थन करेगी और आज जो नीतियाँ कश्मीर में बहाल हो रही हैं वही नीतियाँ मोदी जी की वहाँ भी बहाल होंगी। ये वाला जो कश्मीर था वो तो भारत में था ही, पाकिस्तान ऑक्युपाइड भी अपने ही है, लेकिन शासन वहाँ पे अपना है नहीं, ठीक है? तो क्या लग रहा है वो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेना होगा तो उसके लिए सैनिक कार्रवाई तो करनी पड़ेगी? हाँ, वो पाकिस्तान तो हर तरह से जो है हरा ही हुआ है जी। और अब वहाँ की जनता जो है पीओके की जनता जो है हम लोगों के साथ है जो है जी। और हम लोग चाहते हैं मोदी जी का के शासन में ये सब काम हो जाएगा जो है। क्या लग रहा है सर पीओके आने वाला है? एकदम निश्चित आने वाला है और वहाँ की जनता जो है भारत के पूर्ण रूप से भारत के साथ है और उनका भी ये मानना है कि हम भारत के अंग थे, अंग हैं और अंग रहेंगे। पाकिस्तान की सेना भी तो कुछ करेगी, वो तो पाकिस्तान की सेना जैसे पीछे की है और मुंह की खाई है वैसे फिर खाएगी, पीछे हटेगी। आप तो ये देखा आपने जो बनारस की जनता है, आप जी ये बनारस की जनता, आप बताइए सर आपका क्या कहना है इसमें? घुमाइए आइए। बनारस की जनता की जो राय है जो चाह है वो तो होकर ही रहेगा का ना, मतलब पीओके भारत की है, भारत को मिलेगा जी। उसमें पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, बस भय बस चिल्लाता रहेगा जी जी। और उसका रिजल्ट हमेशा गलत ही निकलेगा। आइए ये बताइए, जैसे पीओके लेने की बात हो रही है, ठीक है,
हमारे गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सभी कह रहे हैं कि हम लोग पीओके। हाँ, सभी लोग कह रहे हैं कि पीओके, पर हमारा लेकिन उसमें कह रहे हैं लेकिन पीओके पीओके जो है वो हमारा भारत का अंग है जी। और आज भी है और रहेगा भी। इसको कोई चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो, जो इमरान जो आज बोल रहा है, इमरान सिर्फ जो है सेना की दबाव में बोल रहा है। इमरान अपने मर्जी से कुछ भी नहीं बोल रहा है वहाँ, उसके ऊपर सेना का दबाव है, उसको बोलना है और बोलेगा। तो क्या लग रहा है जब हम लोग पीओके लेने जाएंगे तो पाकिस्तान की सेना बैठी रहेगी? पाकिस्तान की सेना बैठी नहीं, पाकिस्तान की सेना बौखलाई हुई है जी कि हम जो है युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे। लेकिन युद्ध करने की क्षमता पाकिस्तान की सेना के पास है नहीं जी जी कि वो हमारे सामने वो टिक सके जी। ऐसी स्थिति ये भी सुनने में आ रहा है पाकिस्तान में 25-26 दिन का ही तेल बचा हुआ है, पेट्रोल डीजल। हाँ, वो तो ये तो सुनने में आ रहा है कि वहाँ तेल डीजल और खाने की जो है तबाही, वहाँ हर तरह की तबाही मची हुई है। और इसको लेकर के वो परेशान नहीं है, वो सिर्फ पीओके को लेकर परेशान है, इसलिए इमरान परेशान है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे करना क्या है। अब वो आर्थिक रूप से इतना खोखला हो चुका है कि समय समय पे कह रहा है कि मैं अपने जो है व्यापार बंद कर दूंगा, मैं अपनी ट्रकें बंद कर दूंगा, मैं अपनी बसें बंद कर दूंगा। तो ये क्या है, एक तरह का अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल रहा है। फिर कह रहा है कि मैं अपने व्यापार खोल दूंगा, मैं आपके साथ व्यापार करने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि अंदर से जो पाकिस्तान का जो आर्थिक पहलू है, आर्थिक जो खोखलापन है, वो समय समय पर स्पष्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक ये जो पाकिस्तान आका बनकर बैठा हुआ था और जो विश्व के अन्य शक्तिशाली राष्ट्र इसका साथ दे रहे थे, अब इस मुद्दे पर आकर के 370 के मामले पे आकर के अब ये बहुत साफ हो गया है कि अब पाकिस्तान को ये अच्छी तरह समझ में आ गया है कि अन्य शक्तियां जो परोक्ष रूप से हमारा साथ दे रही थी, अब वो मेरा साथ देने वाली नहीं है। तो अब उसे इस अंधेरे में कहीं भी कोई प्रकाश का वो पुंज नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जिसका वो अपना दामन थाम ले। तो बात ये समझ में उसको आ रही है कि अब जो बचा खुचा हुआ है कम से कम उसको सुरक्षित रखा जाए। और सर, आप देखिएगा कि जो इमरान खान या जो वहाँ के मंत्री, पाकिस्तान के मंत्री बोल रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहते हैं कि एक धोखेबाजी है, एक मुँह से वहाँ की जनता को छलावा देना है। वो अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ की जनता खुद इनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है, क्योंकि क्योंकि जनता जूझ रही है उन परेशानियों से। और मैं आपको बता दूं कि जनता, पाकिस्तान की जनता को न पीओके से मतलब है, न कश्मीर से मतलब है, कुछ ही वहाँ की जनसमूह है जिनको कि बस इन सारे मुद्दों से मतलब है, उनको तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से मतलब है। पाकिस्तान वाले कहते भी हैं कि ये दो तीन महीने से, एक दो महीने से कश्मीर कश्मीर ही लगाए हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है पाकिस्तान में कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल नहीं मतलब है सर, जैसा मैंने आपसे कहा ना कि वहाँ के कुछ ही लोग, कुछ ही मुस्लिम संगठन, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि इन सारे मुद्दों को वहाँ पर उठा करके जनता में प्रोपोगेट कर रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान, अरे हमारा कश्मीर चला जा रहा है, हमारा पीओके चला जा रहा है। लेकिन आम जनता को सर, चाहे किसी भी देश की आम जनता हो, उसके अपने रोजी रोटी, अपने व्यापार, अपने घर से मतलब होता है। ये तो सारे देश के मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जिसको कि बहुत शांति ढंग से अगर पीओके हमारा है, कश्मीर हमारा है तो है, उसमें जबरदस्ती कब्जा करने की क्या जरूरत है? क्योंकि जनता वहाँ की जनता भी तो वहाँ की जनता भी तो यही चाह रही है कि ये मामला सीधे से हल हो जाए। और पीओके पे तो पाकिस्तान को चिल्लाना ही नहीं चाहिए, वो तो हमारा ही था, है, रहेगा। ठीक, तो ये थी बनारस की जनता। इनका कहना था कि पीओके जो है भारत का हिस्सा हमेशा से रहा है, कुछ गलत नीतियों के कारण वो पाकिस्तान में चला गया है, और जो सरकार नई बनी है उस पर इनको भरोसा है कि जल्द ही पीओके भारत का अभिन्न अंग होगा और वहाँ पे भारत का ही शासन होगा। बहुत धन्यवाद आपका प्यारा भारत देखने के लिए। भारत माता की जय। सर, ये कब आएगा, कब हम लोग देख सकते हैं ये?